हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। हम लोग भोजपुरी का गाना गाते हैं, हम लोग भोजपुरी फिल्मों का काम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। और आए दिन जो भी दो चार दिनों में जो घटनाएँ घटी हैं, इसकी वजह से समाज कलंकित हो रहा है, भोजपुरी समाज कलंकित हो रहा है, इसको लेकर के भोजपुरी रचना बनाई गई। और अब जो भी भोजपुरी में अश्लील गाना गाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी होगी और सेना अपने स्तर पे भी निपटेगी अगर वो नहीं समझेंगे। हम किसी भी माँ बहन के इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। बिहार है, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है। बिहार पूरे देश को दिशा देता है, बिहार को कलंकित नहीं करने जाएंगे। मराठी में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में कहाँ कोई अश्लीलता है, कहाँ कोई बदगलती है। ये द्वर्थी समाज तो महिलाओं के अंगों के नाम लेके लोग गाना गाने लगे, उसको लेकर के भोजपुरी रचना के गठन की गई है। और इसके लिए जो भी लोग हैं, जो भी बड़े सिंगर हों, छोटे सिंगर हों, जो भी सिंगर हैं, उनको पहले तो हम आग्रह से बोल रहे हैं, भैया आप कृपया 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 आप अश्लील मत गाइए, आप द्वर्थी समाज के गाने ऐसे मत गाइए जो घरों में ना बजे। अच्छा पढ़ा लिखा समाज भोजपुरी से दूर होता जाना, छोटे सिंगरों से भी आग्रह करेंगे, नए सिंगरों को जो शौक चढ़ गया है कि कुछ भी गा करके हम रातों रात पॉपुलर हो जाएंगे, उनको भी समझा रहे हैं। यूट्यूब कंपनियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप मत ऐसे गाने लोड करिए। और पटना में ऐसे गाने उन स्टूडियो में बन रहे हैं जिन स्टूडियो का सरकार के पास कोई पंजीकरण नहीं है, उन स्टूडियो से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप ऐसे गाने मत रिकॉर्ड करवाइए। स्टूडियो चाहेगा कि गाना रिकॉर्डिंग कराएं, चैनल से अगर रेल का बिजनेस है, चैनल चाहेगा कि हम गाना नहीं लोड करें, न कोई सिंगर गा ही नहीं सकता है। और समाज के लोगों को भी इसमें आगे आना होगा, उसको बायकॉट करने के लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.